Assalamualaikum everyone, welcome back to a brand new vlog. अच्छा जी, तो रात हमारी गुजरी है पैकिंग करते हुए. और पैकिंग करते करते मतलब मैंने अकेले ने तो ऑब्वियसली पैकिंग नहीं की है, बट मेरे साथ साथ मेरी एक दोस्त भी है, आप सब जानते होंगे उसको ऑलमोस्ट, आमना. तो वो मेरा इंतज़ार भी कर रही है. हाय आमना. हाय यार, बस करो, भूख लग रही है यार जी. नाश्ता करना? हाँ तो करेंगे ना, क्या हो गया इतना इतना, क्या वो फुल्ला, इतनी तेज रोशनी पड़ रही है ना तुम्हारे मुंह पे. हाँ ये कर लेते हैं पहले. चलें जी, बस अभी नीचे चलते हैं, नीचे चल के नाश्ता वगैरह करते हैं. उतनी देर में रजू भाई भी आ जाएंगे, फिर आपको उनसे भी मिलवाएंगे इंशाल्लाह, और लेकर चलते हैं आपको अपने साथ सफर पर. अच्छा जी, अंदर चलते हैं, अम्मा से मिलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम, क्या हाल है मौला के होने वाले जायरीन? और सबसे ज्यादा मेरी सी बेटी के लिए जो मौला की जाहिर होने लगी है. सुनाए तबीयत पे ठीक है? अल्लाह का शुक्र. खाना खाने लगे हैं. अस्सलाम वालेकुम असद भाई, आप तो तैयार हो गए हैं यार. अस्सलाम वालेकुम बाबा. अल्लाह का शुक्र हम जहाज में बैठने लगे. ये जहाज में बैठ गई है. हाँ, ये फ्लाई होने लगी है. ये सही बात है ना, फ्लाई होने लगी है ये. चलें जी, आप तैयार शार हो लें पहले, फिर मैं भी तैयार हो जाऊं, फिर उसके बाद हम दोबारा से यहीं से कंटिन्यू करेंगे व्लॉग को, और फिर इन्हें दिखाते हैं कि हम जहाज में बैठने से पहले क्या खाने लगे. ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया, और टाइम हो रहा है अराउंड 8. अभी आ गई है रज भाई की भी कॉल कि हम निकल आए हैं, हम रास्ते में हैं. तो हम बस फटाफट से अपना चेंज करते हैं, अबाया वगैरह पहनते हैं, क्योंकि कपड़े तो मैंने यही पहनने हैं, बस अबाया पहनना है ऊपर से. तो अबाया पहन के फिर इंशाल्लाह तैयार होकर खड़े होते हैं, ताकि उनको हमारी वजह से इंतज़ार ना करना पड़े एटलीस्ट. तो जी, मैंने कभी हिजाब उस तरीके से किया नहीं है, बट हम ट्राई पूरी करेंगे. अभी भी मैं कल रात को बैठकर जब बात शात कर रही थी आमना से, जो कि यहीं बैठी हुई है, मे बी फ्रेम में ना आ रही हो, तो मैं यही कह रही थी कि मुझे अभी भी वो फील नहीं हुआ जैसे कि हम सच में जा रहे हैं. बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट यू गाइज, बट मैंने कभी, मतलब आप एक दुआ होती है जो आप शुरू से कर रहे होते हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे होते हैं, और फिर वो दुआ आपकी एकदम कबूल हो जाती है. तो फिर इंसान को लगता है कि अब और क्या मांगना है, मतलब दुआ तो कबूल हो गई जो इतनी देर से कर रहे थे, अब आगे क्या है. तो मेरे ख्याल में वो वाली फीलिंग अभी थोड़ी बहुत आ रही है. बट खैर, हम हो गए हैं तैयार. As you can see, ये हमारा एक बैग ये है जो कि लगेज में जाएगा, और बाकी ये पड़ी है मेरा सामान वगैरह. इसमें हमारा लैपटॉप है, और ये हमारा हैंड कैरी. तो अभी बस चलते हैं नीचे, तैयार हो गए हैं, नीचे चलते हैं, रजबे को कॉल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो लोग कब तक आ रहे हैं, और फिर इंशाल्लाह आपको उनसे भी मिलवाते हैं. चलें जी, तैयार हो गए हैं, नीचे चलते हैं. ओके रूम, बाय बाय, आई विल सी यू आफ्टर 20 डेज. तो मुझे छोड़ने जा रही हो? इधर आओ तो सही, इधर बात तो सुनो. जा तो मैं रही हूँ, इमोशनल तुम क्यों हो रही हो? हैं, इसे देखा नहीं जाता. खैर, जो भी लोग नीचे आ गए हैं, बस नीचे चलते हैं, और फिर आपको उनसे भी मिलवाते हैं. सलाम अलैकुम, आपसे तो मिले ही नहीं हम. अच्छा जी. हाँ, चले मिल ली अब. क्या हाल है? बस ठीक ठाक है, जी रहे हैं. तो कहाँ जा रहे हैं? मैं बाहर की तरफ. बाहर की तरफ? ये बैग डाल के कहाँ जा रहे हैं आप? मैं स्कूल जा रहा हूँ, टाइम हो गया. स्कूल जा रहे हैं? अच्छा, चले सही सही बताएं, क्या तासरात हैं आपके? मेरे तासरात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि चिलम पे हम जा रहे हैं, मेरा फर्स्ट टाइम है. इससे पहले भी मैं गया हूँ ईरान इराक सवारियों पे, बट मैं चिलम पे पहली बार जा रहा हूँ. हाँ जी जी, हम चेलम पे पहली दफ़ा जा रहे हैं. बाबा आप बताएं, आपके तासरात कैसे हैं? एक्साइटमेंट है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा कि हमें जो है ना उधर अरबईन पे जाने का मौका मिल रहा है. फर्स्ट टाइम है हमारा अरबईन, तो उससे पहले मैंने शुगा की है, और एक दो बच्चों के साथ मैंने किया है ज़ियारात का. बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और मजहबी जो एक होता है जुनून वो है. बिल्कुल ऐसे ही है जी, हर कोई मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होगा. एक बंदे के किसके? मैं पूछना चाहूँगा, आप आमना से तासुरात पूछे क्या है?
अमना आपके क्या तासरात हैं? ये तो रोने वाली हो गई है यार, क्या करें इसका। आप बताएं, अब बताएं, अब आप बिल्कुल मौला की जाहिर लग रही हैं, अब आप बताएं कि आपके तासरात क्या हैं। पहले जब मैं गई थी तो दो बेटे अपने शोहर के साथ, आज आ रही हूँ तो अपनी बेटी के साथ, बहुत खुश हूँ। बस जी ऐसे ही है, मैं तो खुद पहली दफ़ा जा रही हूँ, मगर अम्मा लोग तो पहले होके आ चुके हैं, तो दिस इज़ देयर सेकेंड टाइम, बट मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं पहली दफ़ा जा रही हूँ, अम्मा अपनी बेटी के साथ पहली दफ़ा जा रही हैं। हाँ ये एग्जैक्टली कहो ना कि मैं अपनी बेटी के साथ जा रही हूँ। हाँ बेटों के साथ तो पहले भी, बेटों के साथ हो ही ना। हाँ बेटी के साथ जाने की जो एक्साइटमेंट है वो और है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाय मम्मा, अस्सलाम वालेकुम। यार कसम से इतनी प्यारी लग रही इस गेटअप में तो, वही ले जी हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, बस अभी अंदर एंटर होंगे और फिर आपको इंशाल्लाह बोर्डिंग के टाइम पे दोबारा मिलेंगे। ऊबर ड्राइवर भी दिखा दो, ऊबर ड्राइवर। ये मेरा ऊबर ड्राइवर है। खुद तो आपने कहा है ऊबर ड्राइवर भी दिखा दो। तुमने भी आगे से हां ही भर दिया, तुम कहो नहीं मेरा भाई है। ये नित्य तुम्हें जाना यार। अब ठीक है। हां आप सुनाए मम्मा। सलाम किसे जाओ कह रहा हूं। हर जगह पे हर रोजे पे आपने दुआ में याद रखना है, मुझे भी सारी फैमिली को और हर सब्सक्राइबर को इंशाल्लाह। सारे बच्चे हो जी। जान खैर से जा, अपना ख्याल रखी यार, तेरी बहुत याद आएगी। ऐसे ना करो, मैंने फिर रोने लग जाना। नहीं है बस ख्याल रखी। ले जी तो ये है वो चीज़ें जिसकी वजह से पिछले कोई ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीने से इंतज़ार हो रहा था और कोशिशें हो रही थी और इतनी सारी दुआएं हो रही थी कि ये जो इतनी सी पर्चियां हैं ना, ये छोटी सी, ये हमें किसी तरीके से आसानी से मिल जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वी आर हियर। यहाँ पर लगेज वगैरह जो है वो रखा जा रहा है, बाबा लगेज को वो करा रहे हैं। जैसे ही लगेज हो जाएगा हम लोग अंदर लाउंज में चले जाएंगे, तो फिर साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। नहीं जी हमारी तो हो गई है पासिंग, अब अम्मा करा रही हैं। इसमें कुछ वेरिफिकेशंस होती हैं, फिर वो उसके बाद जो है आपको आपकी टिकट और ये सारा कुछ वेरीफाई करके दे देते हैं। बाकी अभी अंदर चलते हैं लाउंज में और फिर थोड़ी देर से उनका पास करते हैं, मेरी टांगे थक गई हैं। अब अनाउंसमेंट्स वगैरह होने लग गई हैं तो हम आपको इंशाल्लाह प्लेन में बैठ के मिलते हैं। हमारी ही प्रवास की। अच्छा गेट नंबर 24 पे जाना है। चले जी गुड, हम आपको प्लेन में मिलते हैं बैठ के। ले जी बोर्डिंग कॉल आ गई है और हम लोग बस चलने लगे हैं ऑलमोस्ट अपने सफ़र की तरफ, टिकट चेक करवा के इंशाल्लाह। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन।
वहाँ से चलेंगे होटल इंशाल्लाह। नहीं जी, लगेज भी आ गया है, अब बस हम निकलने की करेंगे इंशाल्लाह। जी सो फाइनल अपडेट, हम एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं। ये एयरपोर्ट का फ्रंट था जो कि जहाँ से अभी हम बाहर आए थे, तो अब यहाँ से बैठे हैं हम बस पे किसी। I'll show you the whole scenario। ये कुछ इस तरह से बैग्स पड़े हैं, ये अम्मा बाबा बैठे हैं, मेरे साथ जवाब बैठे हैं, और अभी हम निकलने लगे हैं यहाँ से अपने होटल की तरफ। बाकी अपडेट आपको साथ साथ देते रहते हैं। ये फूफा जी, अस्सलाम वालेकुम कर दो, अस्सलाम वालेकुम सारों को, आप हमारे साथ ही आ गए। आप तो कहते हैं मैं आपको छोड़ने जा रहा हूँ, ला कर चले जाना बस। अच्छा अच्छा, वापस पाकिस्तान चले जाएंगे हमारा सामान तो। अच्छा जी, चलें जी, ठीक हो गया, आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह होटल जाके। ये है जी हमारा होटल, फाइनली हम पहुंच गए हैं। अभी अभी थोड़ा सा ये रूम्स वगैरह मिल जाते हैं ना, सॉर्ट आउट हो जाते हैं, तो फिर करते हैं इसका कुछ। इट लुक्स वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। जस्ट रीच टू द होटल, और ये है हमारा होटल, इसकी रूम है ये। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज वो सामने वाला का रोज़ा नज़र आ रहा। अच्छा जी, आफ्टर 3 whole hours ऑफ नैप हम अभी उठे हैं, और आपको एक व्यू जो मैंने पहले भी दिखाया था, आपको एक व्यू जो मैंने पहले भी दिखाया था मैं फिर से दिखाना चाहूँगी, और फिर इंशाल्लाह आपको उधर लेकर भी चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजल मजमईन। मौला रज़ा का रोज़ा है, और हद निगाह तक जहाँ तक आप देख सकते हैं आपको मौला का रोज़ा नज़र आएगा, यहाँ पे भी, इस साइड पे भी। सुभान अल्लाह, मौला तेरा शुक्र, मेरे परवरदिगार तेरा शुक्र, मेरे आका। अभी बस सिर्फ वजू वगैरह करेंगे और फिर चलेंगे मौला के रोज़े की तरफ, फिर आपको अपने साथ साथ लेकर चलते हैं। सुभान अभी ये दस्त का मौसम है, और हाँ, और माशाल्लाह ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा, और देखें कि नवंबर दिसंबर में यहाँ पे शदीद किस्म की बर्फबारी होती है। ये है जी वो ज़ियारत जो पढ़ के आप रोज़े में दाखिल हो सकते हैं।
अच्छा जी, अब ये ज्यारत पढ़ के और मौला सदाखले की इजाज़त लेके आप औरतों की तरफ चेकिंग है, और यहाँ से आपकी चेकिंग के बाद सारी औरतें आती हैं। ये है हमारे मौला का पहला दीदार, ये मौला का अहाता है सारा। सहने इमाम रज़ा या मन इस्मा दुआ व ज़िक्र शफा व ताता, तू मेरे ऐब छुपाता है डाल कर पर्दा, इलाही देती हूँ मैं तुझको वास्ता उसका, वही जो शाम गरीबा में दे रही थी सदा, नहीं है कुछ भी मेरे पास सरदा के सिवा, रसूल ज़ादी के पर्दे की लाज रख लेना, भरम दुआओं का मेरी भी आज रख लेना, या सरी या सरी फलमा। यहाँ से कुछ क्लियर लाइन जो है वो नज़र आ रही है, ये यहाँ से अंदर अहाते में जाती है और फिर मौला के हरम के पास। नहीं जी, जहाँ तक मुमकिन मेरे से कोशिश मैंने पूरी की है, जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने आपको साथ साथ अपने ज़्यारत जैसे मतलब प्रोसीजर है पूरा वो ज़्यारत आपके साथ साथ करके दिखाई है। बाकी इस आज के लिए इसी व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, और जब भी मैं ज़्यारत कर रही होती हूँ या करवा रही होती हूँ तो आप उनके साथ साथ अपनी भी दुआएँ अपने दिल में रखा करें, बिकॉज़ मैंने यही सुना है कि जब भी आप ज़्यारत को पहली दफ़ा देखते हैं तो आपकी दुआ कबूल हो जाती है, चाहे वो आपने किसी के फ़ोन पर देखी है चाहे वैसे भी देखी है। तो ज़्यारत अपनी अपनी दुआओं को अपने दिलों में लाजमी रखा करें, और यहीं पे करते हैं इस व्लॉग को एंड, और फिर कल की रूटीन आपको कल से दिखाएंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, आपसे होती है व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।